यार एक PSL के मैच के लिए हम इतना कोई पैदल चल कर आए हैं ना, मेरे तो अब यहाँ पर भी पैर होने लग रहा है। सामने देखें जी, एक गुड़ा काट के आ रहा है, वो देखें येलो वाला, ये वाला भी काट के आ रहा है, ये जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अभी इसी वजह से मैं और अनस जा रहे हैं रावलपिंडी फार्म कॉलोनी में। सामने आपको नजर आ रही है मेट्रो, तो वहाँ पर जाके टिकट लेते हैं और मेट्रो से हम जाएंगे। आज पीछे हमारे है नाला, ये है नाला, लगता है ऐसे कहते कोई ना झील वगैरह हो, और बहुत मज़े का यहाँ पर सीन है। ये पहाड़ भी है साथ में, छोटा मोटा पहाड़ है। सामने मेट्रो स्टेशन है IGP वाला, बहुत ही मज़े का, अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। है थोड़ा सा अंडरग्राउंड, और अभी यहाँ से सामने हम होंगे इंटर, फिर सामने यहाँ पर रोड है, तो इसलिए हम नीचे से जाएंगे और फिर ऊपर निकल कर आएंगे। यहाँ से जाना पड़ेगा हमें नीचे, फिर नीचे जा कर लेनी पड़ेगी टिकट, फिर हम जाएंगे पिंडी के लिए। अभी यार हमारा प्रोग्राम फुल तरीके से वार चुके हैं, हम गए मेट्रो के अंदर, हमने ना वहाँ पर लेने गए टिकट्स, तो उन्होंने कहा कि आज ना मेट्रो बंद है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है PSL का मैच पिंडी में, तो सारी टीमें वगैरह हैं ना वो आई हुई हैं। तो जैसे हम कल हम गए थे ना लेक व्यू पार्क, पिछले लोग हमें देखा होगा, तो अब भी ना रास्ते पर बहुत ज़्यादा रास्ते, तो अभी ना ये मेट्रो सामने वाली बंद है, तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पैदल, फिर वहाँ से कोई इंटर वगैरह करनी पड़ेगी। अभी हमें जो मोटर बाइक है वो करना पड़ेगा, बाइक क्या जो होता है इंटर वाला, या फिर हमें कोई गाड़ी वगैरह करानी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। अभी आराम आराम से रोड क्रॉस करते हैं और वहाँ पर जाकर ना हारिस भाई हमारी क्या, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ जी, हर जगह से ऑफ है ना, हाँ जी हर जगह से ऑफ है। ऐसा मैं ना PSL मैच हो रहा है ना, इसलिए ना हर जगह मेट्रो बंद है, और आगे वहाँ पर ना हारिस भाई हमारी ना इंतजार कर रहे हैं, तो उनके पास भी जाना है उनकी दुकान के ऊपर, तो वो भी आपको साथ में जाकर दिखाएंगे। यार ये देखे सामने सारे रोड जो है ना वो ऑफ है, सामने रोड बंद है, सारे यहाँ पर खड़े हैं। वैसे मैं ना इसके बिल्कुल पास ही है रावलपिंडी वाला ग्राउंड जो है, ये सारे रोड मोड़ फुल ब्लॉक है, रश ही बहुत ज़्यादा है आज। चेक करें जी यार कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, हर तरफ शोर भी शोर आ रहा है हर तरफ। अभी यार रास्ते से हम निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं, रास्ते मासे ये वाले सारे जो हैं वो ऑफ हैं, क्योंकि आज मैच है ना, सारे रास्ते भी इन्होंने ऑफ कर दिए हैं। और यहाँ पर सारे बंदे जो है ना वो जा रहे हैं पैदल, गाड़ियाँ वगैरह कोई नहीं लेके जा रहा, क्योंकि रास्ता ही नहीं है गाड़ियों का, और हर तरफ पुलिस वगैरह भी घूम रहे हैं। यार आप रश देख सकते हैं इस रोड के ऊपर, पहले यहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह होती है ना फुल होती है, लेकिन अभी यहाँ पर सारे बंदे ना पैदल घूम रहे हैं, सारा PSL की वजह से ये सारा सिस्टम चला हुआ है इनका। सामने भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर ना ग्राउंड है, स्टेडियम जो है ना रावलपिंडी वाला, यहाँ पर अभी ये मैच हो रहा है। यार एक PSL के मैच के लिए हम इतना कोई पैदल चल कर आए हैं ना, मेरे तो अब यहाँ पर भी पेन होने लग रहा है, छाती में सारा पेन हो रहा है, टांगों में सारा पेन है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। फाइनली जी अभी हम पहुंच चुके हैं हारिस भाई के पास, और काफ़ी देर के बाद रास्ते में ना बहुत ज़्यादा हमें तकलीफें नज़र आई हैं। ठीक है, PSL की वजह से सारे रोड ब्लॉक थे, और इतना ज़्यादा कोई रास्ता, और जहाँ पर ग्राउंड है ना PSL वाला, यहाँ पर मैच हो रहा है, वो वाला ग्राउंड पूरा का पूरा खाली था, पुलिस से भरा हुआ था, जान छुड़वा के हम निकल के आए हैं। मैंने फिर मैंने कहा बस वहाँ पर लोग नहीं मिलाता था ना, हो कि फ़ोन मेरा कहीं ना खींचा जाए साथ में। अभी जी हम आ चुके हैं अनालोग घर के छत के ऊपर, और चेक करें आप ऊपर गुड्डे देख सकते हैं, इतने कोई गुड्डे यहाँ पर उड़े हैं ना भाई, जो पिंडी इलाका है ना मशहूर ही ऐसी चीज़ों पर है, जो चीज़ें इलीगल होती हैं यहाँ पर वो ज़रूर होती हैं। बात तो सही है। तो देखें ना ये गुड्डे वगैरह ना ये सारा इलीगल है, तो आसमान में ना हर तरफ ना गुड्डे गुड्डे नज़र आ रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो होते हैं ना वह क्या बताऊँ आपको, और सही नज़र भी नहीं आ रहे, फुल ऊपर ऊपर भी हैं, एक ये रहा सामने, बाकी वहाँ पर भी 5-7 उड़ रहे हैं एक साथ, इस तरह भी उड़े हर दम ऊपर, एक ये रहा एक वो रहा, 3-4 और है सामने, देखे प्लेन जा रहा है कितना मजे का, साथ में सनसेट हो रहा है, फुल शाम हो चुकी है मजे का, यहाँ पर सूरज भी सामने नजर आ रहा है। सामने देखें जी एक गुड़ा काट के आ रहा है, वो देखें येलो वाला, ये वाला भी काट के आ रहा है, ये जा रहा है अभी, एक 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 वहां से भी जा रहा था ब्लैक वाला, अभी चला गया, हर तरफ गुड्डे गुड्डे, इतने ऊपर पर भी उड़े हैं, वो देखे फुल ऊपर उड़ रहे हैं, मौसम बहुत मज़े का बना हुआ है, लेकिन हवा चल रही है थोड़ी बहुत ना, ठंड भी लग रही है साथ साथ। ये चेक करें जी सामने गुड्डा आ रहा है पिंक कलर का, इसकी मेरे ख्याल में अगर साथ में डोर हो ना तो फिर पकड़ा जाएगा शायद में, ये एक ही साथ में डोर भी है, पकड़ लेंगे, ओए वो सामने बच्चे ने पकड़ लिया मेरे ख्याल में, लेकिन ये बच्चा पकड़ रहा है, ये देखिए बच्चे ने पकड़ लिया, ये सामने वाले बच्चे ने पकड़ लिया, क्या बात है जी, ये पिंक वाला गुड्डा पकड़ लिया बच्चे ने, हम पकड़ लेते लेकिन वो पहले आ गए, हमने उसने पहले पकड़ लिया है, साथ है हमारे पास डोर नहीं है, लेकिन हल्के हल्के उसके साथ डोर थी, लेकिन उसने पकड़ लिया, ये देखा सामने ये वाला गुड्डा था,
एक मिनट पकड़ा, ओ एक और गुड्डा मारो ऊपर से, एक और गुड्डा आ गया तो बस उससे खींचने वाला गुड्डा है, उसने उतार लिया जैसे ना कैसे करके भी उतार लिया। बच्चे ने, बच्चे को एक्सपीरियंस था वहाँ पर, दो गुड्डा का बच्चा लगा हुआ है, एक गुड्डा वो ब्लू वाला गुड्डा जा रहा है काट के, हर तरह यहाँ पर गुड्डे गुड्डे नजर आ रहे हैं, जहाँ भी देखो ना गुड्डे ही गुड्डे हैं। ये वाला गुड्डा था जो पकड़ा है अभी, दिखाओ एक मिनट, काफ़ी बड़ा है यार ये ना, नाइस यार, ये ले, कोई बात नहीं पकड़े, अभी और गुड्डा तो फिर हम और पकड़ लेंगे। कैसा यार प्रोग्राम बढ़ा दिया बच्चे ने ना। यार एक महीने बच्चे ने प्रोग्राम थोड़ा बढ़ा दिया, प्रोग्राम बढ़वाने ना दौड़ लेंगे भाई जान। ऐसा सीन हुआ है यहाँ पे, गुड्डा आ रहा था एकदम से, बच्चा भाग के उसने एक महीने पकड़ा है ना, यहाँ से दीवार टॉप के गया है, मीट भी नहीं लगा पकड़ के लेके गया है, बहुत आराम बच्चा था कसम से। वो देखें ये सामने एक और आ रहा है वाइट और ब्लैक कलर का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि मैंने फुल जूम किया हुआ था, बहुत ज़्यादा दूर है वो वाला गुड्डा। यार वो पिंक वाला बताता था हमारे हाथ में भी आ गया था, लेकिन बच्चे ने आ गया ना उठा लिया है, अच्छा नहीं किया बच्चे ने ना भाई, अब कोई और गुड्डा ढूंढ यार, हमारा बहुत दिल कर रहा है, हर तरफ बच्चे उड़ा रहे हैं ना यार, हम फजूल में खड़े हुए हैं, बहुत मज़ा आता है गुड्डा में ना, लेकिन हर तरफ गुड्डे उड़ रहे हैं ना, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है गुड्डा उड़ाने के लिए यार, मैं ऐसा करूँगा जो डोर वगैरह ना गुड्डे शुड्डे अपने वहाँ ले जाऊँगा गाँव में, फिर वहाँ जाकर उड़ाएंगे। वो देखे सामने एक और जा रहा है वो वाला सामने, वो इतने के गुड्डे काट के जा रहे हैं ना, यहाँ पर हवा चल रही है ना इस तरफ की, सारे गुड्डे काट के आते हैं इसी तरफ जाते हैं, अभी हमारे पास एक और गुड्डा आ जाए ना, वो देखें ये ब्लैक वाला वो जा रहा है सामने, ये जा रहा है वो देखें, अन्ना है तो पास यार, लेकिन पता नहीं इसकी डोर होगी या नहीं होगी, डोर होगी तो फिर पकड़ लेते, कोई और देगा कोई और आ रहा है तो फिर उसको पकड़ते हैं। सामने गुड्डे बहुत उड़े हैं लेकिन सामने है कोई नहीं ना असल में, तो जैसे आते तो फिर हम आपको दिखाते हैं। यार सामने एक और ना ब्लैक वाला गुड्डा आ रहा है, ये देखें यार ये आ रहा है इसी तरफ, अगर इसको अगर किसी ने ना इसको रूंगा ना तो हम इसको पकड़ने हैं, ये जा रहा है, इसकी डोर ही नहीं है बहुत थोड़ी है, टोट है यार, कसम से इतने मजे मजे के आ रहे हैं ना, मजा क्या करे यार, इसके साथ में थोड़ा हल्के पुरके डोर थी भी सही, लेकिन अभी देखें वो चला गया यार ना, बहुत दिल कर रहा है गुड्डा उड़ाने का यार, कहीं से मंगवा यार। बहुत दिल कर रहा है यार, यार ये देखें अब एक और भी आ रहा है येलो कलर का, लेकिन हवा असल में ना यहाँ से लेकर इस तरफ की और सारे गुड्डे यहाँ चले जाते हैं, ये तो गलत काम है ना, वो देखें वो वहीं पर गिर रहा है मेरे ख्याल में, गिर गया यार वो, हमारे पास गुड्डे ही नहीं आ रहा, मैं और ना खड़े फ्री ऐसे ही, चेक करेंगे ये सामने एक और गुड्डा आ रहा है और वहाँ पर बच्चा अभी तक नहीं आया, तो इस गुड्डे को ना मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, अगर गुड्डा इस तरफ आ गया कैसे, अगर रूंगा ना ना तो आज मैं इसको पकड़ रहा हूँ, अनस मजाक तो हूँ, अगर छुआ निकल आया ना तो मैं इसको चाटे मारूंगा सही सही, रख रख के गुड्डा आ गया इधर ही, हेलो ये तो वीडियो बना, मैं इसको पकड़ता हूँ अभी, अभी एक और गुड्डा आ चुके हैं, हम पकड़ने वाले हैं, ये जी आ गए, वो प्रोग्राम बढ़ गया यार, इसका प्रोग्राम बढ़ गया, असल में ना डोर बहुत ज्यादा थी और सामने से ना बच्चे ने पेचा लगाया दिया उसके साथ, उड़ता गुड्डा जा रहा था पेचा लगाया ना उसकी डोर के कट और गुड्डा सामने वहां जाकर गिर गया यार। वह देखे सामने एक और जा रहा है लेकिन वो भी हमारे से दूर है, एक वो जा रहा है वो भी दूर है, हैं यार तू ले आता ना तो फिर मैं दौड़ाता, कसम से इतना दिल कर रहा है, तीन चार गुड्डे हैं लेकिन हमसे नहीं पकड़े गए, छोड़ो यार सारा मूड ख़राब हो गया, अब शाम भी हो चुकी है, अब मज़ा भी नहीं आया गुड्डे उड़ाने में, कल के दिन फिर अगर पकड़ तो फिर बात है ना जी, हर तरफ हो चुकी है रात और हारत भाई भी आ चुके हैं दुकान से, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड, ज़्यादा लेट मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 12, मेरी हो गई थोड़ी सी तबीयत ख़राब तो मेरी लग गई थी आँख, तो अभी उठाऊँ तो इस व्लॉग को यहीं पे आने का, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कल के दिन हम जाएंगे मैं और नास कई जगह पर, तो वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो दो में याद रखना, मिलते हैं और साथ, तब तक के लिए अल्लाह।